और 16 तारीख को माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन इसी जिले में झंझारपुर में हो रहा है। उसके निमित्त भी हम लोग सभी तैयारी कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी की यह सभा 1 लाख से ऊपर की सभा होगी, क्योंकि पूरे देश में G20 को लेकर के जो उत्साह बढ़ा है और जिस तरह से G20 में सभी देशों ने भारत का सम्मान किया, न केवल सम्मान ही किया बल्कि यह इस लिए भी ऐतिहासिक है कि पहली बार जो भारत ने वादा किया था कि हम नवीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे, आज दुनिया के सभी G20 देश जिनके पास लगभग 85% दुनिया की अर्थव्यवस्था है, उन्होंने तय किया है कि हम अपना नवीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में 3 गुना कैपेसिटी बढ़ाएंगे और भारत के लिए विशेष दिन भी रहा G20, क्योंकि भारत से सीधी ट्रेन यूरोप जाएगी और इसके लिए भारत, सऊदी अरब, UAE, इटली सभी देशों का सहयोग मिलेगा और यह सीधी ट्रेन होने से भारत के लिए यूरोप के दरवाजे हमेशा से खुले रहेंगे और ट्रेन से ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ता है। जहाँ चाइना एक तरफ बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जिसको BRI कहते थे, वह सड़क मार्ग से यूरोप पहुंचने की सोच रहा था और उसमें भी इटली आज हट चुका है तो वो पहुंच भी नहीं पाएंगे, वहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व का देन है कि यह निर्णय हुआ है कि अमेरिका, यूरोपीय देश, सऊदी अरब और भारत मिलकर सहयोग से भारत से सीधी ट्रेन यूरोप के लिए जाएगी, जिससे भारत में बनने वाले उत्पाद यूरोप और अफ्रीका और मध्य एशिया में सस्ते दर पर उपलब्ध हो पाएंगे। सर, आप लोग एक तरफ बैठक कर रहे हैं, वहाँ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी अपने तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, विधायक, पूर्व सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। 2 दिवसीय बैठक तेजस्वी यादव की आज खत्म होगी, नीतीश कुमार की आज से चालू होगी। बैठक किसी भी दल का अधिकार है, लेकिन जिन दलों में उछल कूद की आदत है वहाँ कार्यकर्ताओं को भी बैठने की आदत नहीं होती है। जब दल के नेता ही उछल कूद करते रहते हैं तो कार्यकर्ता तो जाहिर बात है केवल मजबूरी में चेहरा दिखाने जाता है। भारतीय जनता पार्टी का यह सालों भर चलने वाली योजना है, नया नया सीखने का प्रयास दोनों दल कर रहे हैं, पर नकली नकली होता है और असली असली होता है। कांग्रेस भी कह रही है कि बैठक में खड़गे जी को और अधीर रंजन चौधरी को नहीं बुलाया गया G20 की बैठक में। दिक्कत यही है कि जो संवैधानिकताएं हैं उनका पालन किया गया है। कांग्रेस से मनमोहन सिंह जी आमंत्रित थे, उनके सभी उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री आमंत्रित थे और अधीर जी ने स्वयं उससे अलग हुआ था, ऐसा नहीं उनको आमंत्रण नहीं था, अधीर जी ने स्वयं अपने निर्णय से अलग हुए। यह देश के लिए फख्र की बात थी, इसको राजनैतिक दृष्टिकोण से रख करके कांग्रेस ने जो बॉयकॉट किया है वह बहुत ही शर्मनाक है। आज G20 के जितने देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे उन सभी ने भारत को आगे बढ़ाने का वादा किया, भारत में औद्योगिक निवेश का वादा किया और पूरे दुनिया में भारत के नेतृत्व को इस्टैब्लिश करने के लिए एक सभी ने मिलकर संपर्क राष्ट्रपति रात्रि भोजन जो मुख्यमंत्री के दिल गए तेमें विपक्ष 2-3 मुख्यमंत्री पार्टिसिपेट के जैमे बिहार के मुख्यमंत्री सेहो देखल गेला और PM नरेंद्र मोदी जी के नजदीक देखल गेला, आई पर बहुत कयास लगा जा रहा है। G20 की बैठक में भारत के सभी मुख्यमंत्री आमंत्रित थे, इसमें कोई कयास लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, यह एक राजनीतिक प्रोटोकॉल होता है और राजनीतिक प्रोटोकॉल के तहत ही सबको बुलाया जाता है। यह कांग्रेस की छोटी सोच है कि वह G20 के प्लेटफॉर्म को भी अपने राजनीतिक दुरुपयोग के लिए प्रयोग किया। यह हम लोगों की एक इंटरनल बैठक होती है और हमारा लगातार हम बूथ पर कैसे कार्य कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख कैसे कार्य कर रहे हैं, जिले में कैसे इस कार्य हो रहा है, विधानसभाओं में कैसे कार्य हो रहा है,
इसकी हम लोग लगातार समीक्षा करते हैं। पिछले महीने भी मैं आया था, आप सबों से मिला था, और तब भी मैं कहा था कि मैं हर महीने मधुबनी लोकसभा आऊँगा। सर, अमित शाह का जैसे दौरा है झंझारपुर में गृह मंत्री जी का, जेडीयू का कहना है कि कई बार इस बार शायद 5 या 6 बार गृह मंत्री जी बिहार आएंगे, वो भयभीत हो गए हैं इसीलिए आ रहे हैं। दिक्कत क्या है कि उनके यहाँ नेता जो हैं वह केवल चुनाव के मौसम में मेंढक की तरह निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता काम करते हैं और काम का हिसाब जनता को देते हैं। नीतीश कुमार जी को तो इतना डर लगता है जनता के सामने जाने से कि अगर उनके 10 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई काला कपड़ा पहन के आप भी चले जाइएगा तो आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाजपा के जो केंद्रीय नेता हैं वह हमेशा जनता के पास जाके अपने कामों का हिसाब देते हैं। सर, हाल ही में उपचुनाव भेले या जैमे मैक्सिमम इंडिया अलायंस के जीत भेले या ताकि ई उपचुनाव के देखैत नै लागि रहल जे इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के सामने टक्कर छै तूफान के। एनडीए की जो जहाँ पे भी एनडीए के मुख्यमंत्री थे वहाँ एनडीए जीता है। जहाँ पे अब केरल में उनके मुख्यमंत्री के ध्यान से, पूर्व मुख्यमंत्री के ध्यान से, बता इस तरह की सीटें उपचुनाव कोई चाहे हम जीते चाहे वो भी जीते हैं, लेकिन यह कोई पैरामीटर नहीं होता है। लोकसभा के चुनाव बिल्कुल अलग मुद्दों पर होता है। लोकसभा का चुनाव का मुद्दा यह रहता है कि देश का बागडोर कौन संभालेगा। यह जनता तय करेगी कि देश का बागडोर एक नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के पास हो या रावण के बड़े भाई जिसमें 26 प्रधानमंत्री होंगे उनके पास हो। अमित शाह का जो दौरा हो रहा है बिहार में, लगातार चुनावी दौरा हो रहा है, तो विपक्षी पार्टी का कहना है कि अपना प्रचार प्रसार करने के लिए आ रहे हैं। जाहिर भी वायदा है, जुमला साबित हुआ है, जाहिर बात है। और वो जो भी आ रहे हैं, जितनी भी कार्य हुए हैं वह देश की जनता अच्छे से देख रही है। आप क्या किए यह भी बताइए। यूपीए के गठबंधन ने 10 साल किया, उनकी एकमात्र उपलब्धि यही है कि वह 15 लाख करोड़ का घोटाला किए। अगर इसके अलावा एक उपलब्धि है तो बता देना कि उनके समय में क्या होता था। उनके समय में बैंक के 58 लाख करोड़ रुपए मुफ्त में बांट दिए गए। हमारे समय में हम वह घोटालों के पैसे गरीबों को दे रहे हैं और गरीबों का आशीष ले रहे हैं। मात्र एक सवाल है सर, उसके बाद खत्म हो जाएगा। केके पाठक और बीपीएससी के बीच में फिर से तनाव देखने को मिल रहा है। जो अभी परीक्षा हुई है शिक्षकों की, क्या लगता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें अगर केके पाठक कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में आप इसका अवमानना कर रहे हैं तो कोर्ट में जाएगा, तो इसे रिजल्ट भी पेंडिंग हो सकता है अभ्यर्थियों के लिए? यह एक टेक्निकल इशू है और ACS और BPSC का जो चेयरमैन होता है, दोनों एक ब्यूरोक्रेसी का अपने अपने विभाग का चीफ होता है। बिहार का दुर्भाग्य यही है कि चूंकि मुख्यमंत्री ही पलटी मारते रहते हैं, तो जब मुख्यमंत्री पर को ही अपने ऊपर भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री ही हर मिनट बदलते हैं, तो जाहिर बात है कि ब्यूरोक्रेसी इसमें छिन्न भिन्न हो ही जानी है। आप सब काफी मिला के आए के लिए स्वागत करिए। आइए